जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने कहा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री ने सराहनीय काम किया है। यह एक साहसिक निर्णय है। मुझे कर्पूरी जी के साथ काम करने का मौका मिला है। 1985 के विधानसभा चुनाव में जब बिहार में प्रतिपक्ष बुरी तरह हार गया तो विपक्ष के नेता के रूप में कर्पूरी जी ने चुनाव सुधार पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसमें उन्होंने मुझे भी रखा था। हालांकि 1984 में पार्टी के बिहार प्रदेश महामंत्री पद से मैंने त्याग पत्र देकर राजनीति से अलग होने का निर्णय लिया था। मैंने और पूर्व MLC पीके सिंह ने कर्पूरी जी के मार्गदर्शन में चुनाव पद्धति में सुधार का दस्तावेज तैयार किया था। विधायक सरयू राय ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने नीतीश कुमार को मौका दिया और उन्होंने जीत हासिल की। कर्पूरी ठाकुर हमेशा कहते थे कि उनका जो सपना है पिछड़े वर्ग के लिए, उसे नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं, इसलिए उन सपनों को पूरा करना नीतीश कुमार का उत्तरदायित्व है। जनता पार्टी का महामंत्री था तभी 1982 में कर्पूरी जी ने जनता पार्टी में लोकदल का विलय किया। 1985 में बुरी तरह से विपक्ष हार गया। उन्होंने 7 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई थी चुनाव सुधार के लिए, उस पर प्रतिवेदन तैयार किया गया। मैं भी उसमें एक था, उन्होंने प्रतिवेदन तैयार किया। उनके बारे में हम यही कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति थे कि जितना उनके नज़दीक जाइए लगता था कि हम जितना सोचते थे उससे भी बड़े आदमी, अच्छे आदमी। जितना स्नेह प्रेम कार्यकर्ताओं से आम जनता से करते थे कोई दूसरा उसका समानांतर अब तक नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी कर्पूरी जी के बहुत नज़दीक थे। कर्पूरी जी ने ही उनको युवा लोकदल का बिहार का अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद 1985 के चुनाव में नीतीश पहली बार जीते थे। तो नीतीश जी भी आज तक कर्पूरी जी के एहसान को निभा रहे हैं और कर्पूरी जी ने जो पिछड़ों में अति पिछड़ा की अवधारणा विकसित किया था उसको नीतीश कुमार ने मूर्त रूप दिया है। तो ये कहा जाए कि नीतीश कुमार भी असली उत्तराधिकारी साबित हुए हैं कर्पूरी जी के बिहार में, तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।